जय हिंद साथियों, वंशिका आल जाब हिंदी चैनल में स्वागत है। साथियों, एक और वैकेंसी निकली हुई है, जो कि ये वैकेंसी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू निकली हुई है, जो कि एसएससी ने हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी निकाली हुई है। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल दिल्ली पुलिस की वैकेंसी निकाली हुई है। तो साथियों, आप लोग को इस वीडियो में बताएंगे कि एसएससी जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी निकाली हुई है, क्या इजिबिलिटी है, यानी क्या योग्यता है, और साथियों किस एज के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, और कितनी गवर्नमेंट फीस लगी हुई है, साथियों इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। वीडियो अंत तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा। तो साथियों, अभी आप लोग को नोटिफिकेशन दिखाएंगे ताकि अच्छी तरह से आप लोग को समझ आ जाए, ताकि फॉर्म ऑनलाइन आप लोग भर सकें। साथियों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो वंशिका ऑल जॉब हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन पर क्लिक करिए, ताकि आने वाला जो भी वैकेंसी हो इस चैनल के माध्यम से पता चले। तो साथियों, ध्यान से देखिएगा, आप लोग को नोटिफिकेशन दिखाने जा रहे हैं और बताने जा रहे हैं। साथियों, आप लोग को नोटिफिकेशन दिखाने जा रहे हैं। देखिए, एसएससी हेड कांस्टेबल इन दिल्ली, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल इन दिल्ली पुलिस रिक्रूटमेंट 2022, यानी एसएससी ने हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल दिल्ली पुलिस की वैकेंसी निकाली हुई है 2022 में। एप्लीकेशन फीस जो मांगा गया है, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 100 रुपया, और एसी एसटी कैंडिडेट के लिए 1 रुपया नहीं है। फर्स्ट टाइम करेक्शन चार्ज, अगर साथियों आप लोग फर्स्ट टाइम, यानी कोई मिस्टेक हो जाता है आप लोग से, तो फर्स्ट टाइम आप लोग करेक्शन अगर करवाते हैं, जैसे आप लोग के पिताजी के नाम में या आपके नाम में या कोई भी स्पेलिंग यानी गलत हो जाता है, तो आप लोग फर्स्ट बार फिर करेक्शन करवाओगे, उसमें सुधार करवाओगे तो 200 रुपया लगेगा, और उसके बाद सेकेंड टाइम में आप लोग का 500 रुपया लगेगा। तो साथियों, आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि ताकि आप लोग बढ़िया से ऑनलाइन कराएं। पेमेंट मोड जो है, यानी जो एप्लीकेशन शुल्क मांगा गया है, आप लोग पे कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग थ्रू आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। और साथियों, इम्पोर्टेंट डेट बता देते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन का, यानी ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है। स्टार्ट जो है 17 मई 2022, यानी 17 मई 2022 से फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है। रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट जो है 16 जून 2022 है। और साथियों, ऑफलाइन अगर आप लोग पेमेंट करते हैं तो 16 जून 2022 तक करेंगे। अगर ऑनलाइन आप लोग ऑनलाइन के थ्रू आप लोग फीस पेमेंट करते हैं तो 16 जून 2022 तक करेंगे। और साथियों, करेक्शन डेट आप लोग को बता दें, करेक्शन डेट के बारे में आप लोग को बताएं, यानी कोई स्पेलिंग या कोई आप लोग के पिताजी का या कोई स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाता है तो 21 से 25 जून तक आप लोग सुधार करा सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट ने ये नियम निकाला है कि यानी सुधार कैंडिडेट करा सकते हैं। और साथियों, सीबीटी एग्ज़ाम डेट, यानी आप लोग का जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, सितंबर माह में होगा, सितंबर 2022 में होगा। एडमिट कार्ड जल्दी आ जाएगा, जैसे लास्ट डेट ख़त्म हो जाएगा एडमिट कार्ड का भी आ जाएगा। और साथियों, जो कैंडिडेट इसमें यानी फॉर्म फिलिप करना चाहते हैं, एज लिमिट के बारे में बता दें, 1/1/2022 से मिनिमम एज 18 इयर्स, मैक्सिमम एज 25 इयर्स के कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलिप कर सकते हैं। और साथियों, एलिजिबिलिटी डिटेल बता दें, कैंडिडेट को 12वीं पास होना चाहिए। और साथियों, जो यानी दिल्ली पुलिस मिनिस्ट्रियल की जो है, यानी एलिजिबिलिटी जो है 12वीं पास मांगा गया है साथियों, और 12वीं पास के साथ साथ इंग्लिश टाइपिंग स्पीड जो होना चाहिए 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। साथियों, टाइपिंग का भी मांगा हुआ है, टाइपिंग आप लोग कर लीजिएगा या तो पहले से करते होंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। तो साथियों, इंग्लिश टाइपिंग आप लोग को कंप्यूटर पर करना है, स्पीड जो होना चाहिए 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, एंड हिंदी टाइपिंग आप लोग को 25 वर्ड पर मिनट होना चाहिए।
और साथियों ज़्यादा जानकारी के लिए आप चाहें तो रीड द नोटिफिकेशन फॉर मोर डिटेल, आप लोग नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हैं। और साथियों बता दें वैकेंसी डिटेल यानी टोटल वैकेंसी जो निकली हुई है 835 पोस्ट निकली हुई है। साथियों काफ़ी अच्छी वैकेंसी निकली हुई है, जो भी 12वीं पास हैं, टाइपिंग का नॉलेज है, वो कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी वैकेंसी निकली हुई है, 835 पोस्ट निकाला हुआ है। और साथियों बता दें पोस्ट नेम हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी निकली हुई है। और साथियों बता दें कितना पोस्ट मेल के लिए 241 पोस्ट है, यानी पुरुष के लिए 241 पोस्ट है, जनरल में ओबीसी में 137 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस में 56 पोस्ट है, और एससी के कैंडिडेट के लिए 65 पोस्ट है, एसटी के कैंडिडेट के लिए 60 पोस्ट है। और साथियों बता दें फीमेल के लिए भी बहुत काफ़ी अच्छी वैकेंसी निकली हुई है, महिला के लिए जनरल में 119 सीट है, ओबीसी को 67 सीट है, ईडब्ल्यूएस का 28 सीट है, एसी जो आते हैं कैंडिडेट उनका 32 सीट है, एसटी का महिला का 30 सीट है। टोटल साथियों फीमेल में 276 पोस्ट है, यानी महिला का 276 पोस्ट है और पुरुष का जो है 559 सीट है। और साथियों बता देना चाहता हूँ फिजिकल एलिजिबिलिटी डिटेल, यानी फिजिकल आप लोग का क्या क्या लेगा, मेल कैंडिडेट यानी पुरुष के लिए हाइट जो होगी 165 सेंटीमीटर होगा, और साथियों पुरुष के लिए जो चेस्ट होगा 78 से 82 सेंटीमीटर, रेस जो होगा यानी दौड़ जो होगा 1600 मीटर इन 7 मिनट में क्वालिफाई करना है, यानी 1600 मीटर का रेस जो होगा 7 मिनट में क्वालिफाई करना है। और साथियों लॉन्ग जंप जो होगा 12 फीट 6 इंच होगा, और साथियों हाई जंप जो होगा 3 फीट 6 इंच होगा। और साथियों फीमेल यानी महिला के लिए हाइट जो रखा गया है 157 सेंटीमीटर होगा, चेस्ट एनए नहीं होगा। और साथियों जो रेस होगा महिला के लिए 800 मीटर जो होगा 5 मिनट में क्वालिफाई करना है, महिला को 800 मीटर का दौड़ 5 मिनट में क्वालिफाई करना है। और साथियों जो लॉन्ग जंप महिला का होगा 9 फीट होगा, हाई जंप जो महिला का होगा 3 फीट होगा। साथियों वंशिका आलजाब हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन पर क्लिक करिए ताकि आने वाला जो भी वैकेंसी हो इस चैनल के माध्यम से पता चले। धन्यवाद।